नमस्कार दोस्तों, हम हाजिर हैं आपका अपना कार्यक्रम संस्कार हेल्थ मंत्र लेकर, जिसमें हम आयुर्वेदिक औषधियों से होने वाले उपचारों के विषय में जानकारी देते हैं। आज हम आपको पियाबासा पौधे से होने वाले उपचारों के विषय में बताने जा रहे हैं। पियाबासा या कठसरैया एक जड़ी बूटी है जिसकी चार प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से तीन प्रजातियां सफेद, काला और पीला बहुत प्रयोग की जाती हैं। इन तीनों में से पीला पियाबासा जंगलों में काफी पाया जाता है। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के अनुसार पियाबासा कफ की शिकायत में बहुत ही लाभकारी औषधि है। जिनको कफ और खांसी है, ऐसे रोगियों को पियाबासा की 5 से 7 पत्तियों को कूटकर काढ़ा बना लेना चाहिए और सुबह शाम पीना चाहिए। खांसी चाहे सूखी हो या फिर बलगम वाली, ये प्रयोग जरूर फायदा करेगा। पियाबासा का दूसरा प्रयोग यह है कि यदि बच्चों को खांसी है और कफ की शिकायत भी है, तो इसके लिए पियाबासा की कुछ पत्तियों का 2 से 3 चम्मच रस निकालकर उन्हें शहद के साथ चटाएं। इससे खांसी में तुरंत आराम मिलेगा। यदि ताजा पियाबासा न मिले तो उसके पंचांग को सुखा लें और कूट कर रख लें। खांसी होने पर 3 से 5 ग्राम पंचांग को करीब 400 ग्राम पानी में पकाएं। पानी 1/4 बचे तो उसे छानकर सुबह शाम पिएं। इससे कफ वाली व्याधियों से मुक्ति मिलेगी। पियाबासा का प्रयोग दांतों और मसूड़ों के लिए भी बहुत लाभकारी है। यदि दांतों में किसी भी तरह की परेशानी है, दर्द है, तो ऐसे रोगी पियाबासा की 8 से 10 पत्तियों को पानी में उबालकर उस पानी से गरारे करें। इससे दांतों और मसूड़ों के दर्द में राहत मिलेगी। यदि केवल मसूड़ों में दर्द है तो पियाबासा के पत्ते को पीसकर सिंधा नमक, सरसों का तेल और हल्दी मिलाकर पेस्ट बना लें। उस पेस्ट को मसूड़ों और दांतों पर मंजन की तरह करें। ऐसा करने से मसूड़ों के दर्द में लाभ मिलेगा। आचार्य जी बताते हैं कि दस्त में भी ये बहुत लाभदायक है। इसके लिए आप ये करें कि पियाबासा का 2 से 3 चम्मच रस निकालकर उसमें 1 ग्राम सौंठ का पाउडर मिलाकर सेवन करें। इससे आपको दस्त से आराम मिलेगा। यदि किसी को दस्त में खून आ रहा हो तो उसे रोकने के लिए भी पियाबासा का रस एक अचूक औषधि है। पियाबासा आंतों और लीवर की सूजन के लिए उत्तम औषधि है। इसके लिए पियाबासा का पंचांग, सौंठ और अश्वगंधा का काढ़ा बनाकर सेवन करें। इससे सूजन कम होगी, कमजोरी दूर होगी और इससे पाचन क्रिया भी ठीक होगी। एसिडिटी के लिए 1 कप पानी में पियाबासा का 2 चम्मच रस मिलाकर पिएं। इससे एसिडिटी की भयानक समस्या भी ठीक हो जाएगी। आज की कड़ी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अपना और अपनों की सेहत का रखिए ख्याल। नमस्कार।